खबर लखनऊ से है, ये बड़ी खबर है। गठबंधन और कांग्रेस में आपसी झगड़ा हुआ है। सहारनपुर में बीएसपी ने कांग्रेस को रोका है। इमरान मसूद की राह में दीवार बने हैं फजलुर रहमान। इमरान प्रतापगढ़ी का रास्ता नासिर ने रोका है। लखनऊ से ये बड़ी खबर है, गठबंधन ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। मुस्लिम के बदले मुस्लिम उम्मीदवार गठबंधन ने उतार दिया है। पिछड़े के बदले पिछड़ा प्रत्याशी उतार दिया है। मुरादाबाद में मुस्लिम के बदले मुस्लिम प्रत्याशी उतारा गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही भारत समाचार ने समाजवादी पार्टी की 5 प्रत्याशियों की सूची बताई, यानी इमरान प्रतापगढ़ी के मुकाबले नासिर कुरैशी चुनाव लड़ेंगे। यानी टक्कर सीधी है। अब जो ये प्रेम का राग अलापा जा रहा था महागठबंधन और कांग्रेस की तरफ से, अब वो लड़ाई सीधी हो गई है। इमरान प्रतापगढ़ी के मुकाबले नासिर कुरैशी, अब आरपीएन सिंह के मुकाबले, ये कांग्रेस के नेता रहे हैं, गृह राज्य मंत्री रहे हैं, इनके मुकाबले नथुनी कुशवाहा को मैदान में उतारा गया है। सहारनपुर बिजनौर में भी यही हाल हुआ है। गठबंधन और कांग्रेस आपस में उलझे हैं। मायावती ने पूजा पाल को टिकट दिलाया है। पूजा पाल इलाहाबाद के पश्चिमी से विधायक हुआ करती थी, 2 बार विधायक रही, उन्होंने मोहम्मद अशरफ को चुनाव हराया और अतीक अहमद को सीधी टक्कर देती थी। अब उन्हें समाजवादी पार्टी ने अपने टिकट से उन्नाव की सीट दी है। गाजियाबाद के सुरेश बंसल के बाद अब पूजा पाल है टिकट सपा का प्रत्याशी, टिकट सपा का प्रत्याशी मायावती का, यानी टिकट जो है वो समाजवादी का है लेकिन प्रत्याशी मायावती का। चूंकि पूजा पाल 2 बार विधायक रह चुकी है बसपा से, और हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, एक सवाल तो जनता के मन में कौंद रहा है ना, टिकट समाजवादी पार्टी का है और प्रत्याशी मायावती का है, ये तो क्लियर हो गया, 2 खबर आ गई इस तरह, सुरेश बंसल और पूजा पाल। बिल्कुल, देखिए सपा और बसपा में बहुत सारे ऐसे नेता हैं, अभी जो कुरैशी का नाम आया ये भी बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए, नासिर कुरैशी। अब पूजा पाल भी बसपा छोड़कर आई है, उनको भी लोकसभा का टिकट दिया गया है। तो ये पूजा पाल के टिकट में ऐसा बताया लग रहा है कि इंद्रजीत सरोज जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो बसपा छोड़कर आए थे, उनका इम्पोर्टेंट रोल है, और पूजा पाल का उन्नाव में कभी नाता नहीं रहा है, न उनकी राजनीतिक गतिविधियां रही है, लेकिन उनका नाम बड़ा चौंकाने वाला है। और जो लोग उम्मीद लगाए थे कि समाजवादी पार्टी से कि लोकसभा का चुनाव उन्नाव से लड़ सकते हैं, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ है। तो कुल मिलाकर यह है कि कई ऐसी स्थितियां हैं जहां बसपा के लोग सपा में आ गए हैं और सपा के लोग बसपा में गए हैं और उनको टिकट दिया गया है। देखिए, चुनाव में जिताऊ कैंडिडेट ढूंढा जाता है, हिसाब से कौन आ रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और पार्टियों को जो लगता है उसी हिसाब से तय होती है चीजें। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं, और मुरादाबाद में अब देखिए दोनों प्रत्याशी मुस्लिम हो गए, कांग्रेस का भी और गठबंधन का भी, तो ऐसे में स्वाभाविक है कि मुस्लिम वोट बटेगा और बीजेपी को जो है इसका लाभ भी मिल सकता है जी। और जो फ्रेंडली फाइट की बात हो रही थी वीरेंद्र, वो तो क्लियर हो गया। अब देखिए लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी से, अब चाहे कांग्रेस लड़ ले चाहे गठबंधन लड़ ले, यानी कांग्रेस जहां प्रत्याशी उतार रही है मजबूत, वहां दुगनी मजबूती के साथ गठबंधन आ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रेंडली फाइट की जो बात थी अब वो बात नहीं रही है, वो नहीं है, ये बात सही है आपकी। और ये बात उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूती से अपने प्रत्याशी खड़ा करके मैसेज भी दे रही है। तो अब ये सच्चाई जो राजनीति जानते हैं वो लोग जान रहे हैं कि कांग्रेस अब गठबंधन के प्रति कोई मुरव्वत नहीं दिखा रही है। तो बातें साफ करती है लेकिन प्रत्याशी मजबूत कर, धर्मेंद्र यादव के खिलाफ सलीम शेरवानी जो केंद्रीय मंत्री रहे। चलिए, आपने कई अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र